सर्वर जहाज पर नहीं है सर। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन गलती कहाँ? चलो समंदर के बीचों बीच आ गए, वापस कैसे जाएंगे? पकड़ो, आराम से मिस्टर शेखर, गोली चल जाएगी। शेखर, ये किस तरह का मजाक है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब। इनसे कहो मुझे जाने दे। स्वाति? यस, योर वाइफ स्वाति। नहले पे तहला। शादी में पंगा, मेरा भी हफ्ता खराब कर दिया। सब तुम्हारे पति की वजह से। आखिर मुलाकात हो ही गई। बहुत परेशान किया तुम्हें। ये ऐसे ही है क्या, हमेशा दूसरे के पटे में टांग अड़ाता है? खिलाड़ी अच्छे हो, फोन से मुझे फंसा लिया। लेकिन तुम्हारी पूरी बटालियन कहाँ चली गई जो सिर्फ तुम दोनों अकेले आए? सर्वर चाहिए, मिल गया? नहीं मिलेगा। ए, तुम जानते भी नहीं ये कितना बड़ा घोटाला है, जिसके सामने ऑगस्टा, बोफोर्स, 2G, कॉमनवेल्थ कुछ भी नहीं है। इसमें कई डिपार्टमेंट शामिल हैं, जैसे माइनिंग, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड्स आदि कैबिनेट, और उनमें काम करने वाला हर एक सरकारी ऑफिसर है। IAS और उनके PA से लेकर टॉप हेड्स ऑफ मिलिट्री एंड नेवी सब शामिल हैं। मिनिस्टर साहब भी इसमें इतना पैसा लगा हुआ है जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगले 20 साल तक तो ये सरकार नहीं गिरेगी, समझ में आया? हथियारों के लिए ये प्लूटोनियम इतना अच्छा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। पता है शिप पर मौजूद सामान से कितने न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं? 50,000। जानते हो हम ये किसे बेच रहे हैं? जरा अंदाजा लगाओ। नहीं समझे? नॉर्थ कोरिया। अगर किसी को भनक पड़ जाए कि हम ये नॉर्थ कोरिया को बेच रहे हैं, तो UN में हमारे देश की हालत इराक और ईरान से भी बदतर हो जाएगी। देश को तो बाद में बचाना, लेकिन पहले खुद अपने दिमाग में सोचो, शतरंज की इस बाजी में तुम्हारी औकात क्या है? बस एक तनख्वाह पाने वाला मामूली सा नौकर, यही औकात है तेरी इस खेल में। तो सिर्फ एक मामूली आदमी है, तो सिर्फ दुम हिला सकता है। घबरा मर, अभी नहीं मारूंगा तुझे। अभी तो तुझे पूरी पिक्चर दिखानी है, तब तक सारे लोग एक शानदार कमरे में आराम कर लो। जब मिनिस्टर ही मिला हुआ है तो हम क्या उखाड़ेंगे सर? तुम क्या कर रहे हो शेखर? सर्वर कहीं यहीं तो नहीं? शेखर सुन रहे हो ना? ए, यहाँ से बच के निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम बचेंगे कैसे? समुद्र में कूद कर? मैं तैरना नहीं जानती। तैरना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। क्या सच में मार देंगे? मुझे तो लगा था पैसे लेकर छोड़ देंगे। ओ, ये कोई यूपी बिहार के गुंडे नहीं है, माफिया है। मुझे तो आदत हो गई है। क्या बोलते हो सर? ओए, धीरे बोल यार। ये तो माफिया लोग ही हैं। आधी रात को मुझे घर से किडनैप कर लिया, बहुत ही खतरनाक। इसीलिए मैंने कितनी बार कहा तुम्हें कि जब भी कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलो, पर तुम सुनती कहाँ? अब मुझे कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कि तुम इतनी रात को मैं क्या छक मारने आऊंगा? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरे बारे में तो सोचना ही मत। मेरी क्या जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, मैं क्या चाहती हूँ, इस तरह चोरों के साथ जिंदगी गुजार देना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये चोर नहीं, अच्छा आदमी। हाँ तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, IIT से। सॉरी स्वाति, मैं इस जॉब से ही रिजाइन कर दूंगा। हाँ, अब रिजाइन करने से क्या फायदा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो गया? मैं जानता था, जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सही था। तुमने क्या सुना? यही कि तुम भी उसे पसंद करती हो। वो कौन है? और कौन, वही लंबू प्रकाश, वो रोज ही तो आता है तुमसे मिलने। जी जी,
कितनी घटिया सोच है तुम्हारी शेखर। हाँ हाँ, मैं तो घटिया किस्म का इंसान हूँ ही। तुम लोग अच्छे हो जो बुक क्लब में जाकर किताब के नाम पर चोचे लड़ाते। तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है, अब बस भी करो शेखर। माँ कसम तुम दोनों बंद करो, ये सुनकर मुझे शादी से डर लग रहा है। मुझे मत दोष दो, समझे? अच्छा, इनकी बात से लगता है कि ये असली बात नहीं जानती। कौन सी बात? कौन सी बात? कि सर को कैंसर है। कैंसर है? किसको कैंसर है? ए, तुझसे किसने कहा मुझे कैंसर है? इनको, आपके पति को कैंसर है, आपको पता नहीं है? तुम्हें कैंसर है? कब से? नहीं स्वाति, मुझे कैंसर वंसर कुछ नहीं है। कैंसर है, उस डॉक्टर ने बताया जो इनकी ट्रीटमेंट करता है, वो लड़कियों के बाजार में मिला। अरे वो तो गधों का डॉक्टर है। ये क्या शिखर, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? ओ, अब मैं समझा, इनको बाजारू लड़कियों का शौक है, इसलिए ये आपसे और घर से दूर रहने लगे। ये सही नहीं है। क्या शौक है? क्या? हाँ, इनको आदत पड़ गई। अबे क्या बक रहा है, डॉक्टर तो पागल है, तू उसका भी बाप है। तो फिर आपने भाभी जी को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि खुद इसने मुझे घर से निकाल दिया था। हाँ, आपने ऐसा करने पर मजबूर किया होगा। ए, मैं समझ गया, तू सठिया गया है। चुप कर। देखो स्वाति, ये जबरदस्ती की बकवास कर रहा है, मुझे कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, मेरी बात मानो। तुम्हें ऋषि को स्कूल से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शॉपिंग पर भी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे चाहो रहो, जो चाहे करो, मेरे साथ समय बिताओ या घर पर बिताओ। स्वाति, तुम कैसे रहे होगे? I missed you शेखर। स्वाति, I missed you too स्वाति। इसीलिए तो जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ मैं। मेरी जॉब से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो स्वाति। पारिवारिक पिक्चर समाप्त, अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू। जानते हुए क्या है? सर्वर। एग्जैक्टली, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, सारे सबूत एक साथ उड़ जाएंगे। अंतिम यात्रा का वक्त हो गया, चलो यहां से। खड़े होने की कोशिश करो। खड़े हो जाओ। शेखर प्लीज कुछ करो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, प्लीज कुछ करो। तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ करूंगा ना, सोचने दो मुझे। सर, मेरे चाचा कहते थे कि अबे पका मत यार, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, उस तरफ नहीं, राइट में, राइट 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 में। नो फॉलो फॉलो मी। बॉम्ब, शेखर शेखर, यहाँ पर बॉम्ब है शेखर। पैर से वो पतरा उठाओ, उठाओ, उठाओ। शेखर, तुम क्या कर रहे हो शेखर? आराम से, आराम से, पैर के बीच में दबाओ और उठाओ। बढ़िया बढ़िया, आने दो आने दो आने दो। क्या करें? चलो 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 चलो, कूदते हैं। अरे वो टूटी हुई है, उसे उठाएंगे कैसे? मैं उठा लूं? इम्पॉसिबल है, मेरे एक टी के दिमाग आया। मत करो, कम ऑन जल्दी कूदो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हां हां चलो। चिंटू को देखे बिना मुझे नहीं मरना, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा दिमाग कहता है कि इसको नीचे से प्रेशर देंगे और उठा लेंगे तो एक एंगल से ये होगा। शेखर कहाँ जा रहे हो? शेखर, जाओ बॉम्ब लेकर आओ, जल्दी जल्दी। Huh?
शाबाश, जब मैं कहूं लीवर घुमा देना, ठीक है? स्वाति, दूरबीन से देखकर बताओ। ओके ओके। ओके। घुमाओ। जरा सा बच गया, थोड़ा और दूर फेंकना होगा। ठीक है। घुमाओ। यस, लग गया। लाओ। Come on! Yes! Come on, come on! Okay, come on! मैं सिर्फ एक मामूली आदमी हूं। इस हादसे को पूरे संसार ने अपने अपने तरीके से समझा और इस हादसे को एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा बताया है। इस हादसे से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। कई देशों के बचाव दल इसमें लगे हुए हैं। 3 दिन बाद भी इस आग पर पूरी तरह से काबू पाना नामुमकिन हो गया है। प्लूटोनियम स्कैम में रोज नई बातें उभर कर आ रही हैं। हिंद महासागर में हुए इस भीषण हादसे को आज 3 दिन हो चुके हैं। इस मामले में 50 इंटरपोल ऑफिसर नई दिल्ली में पहुंच चुके हैं और उन्होंने 24 घंटे के अंदर 20 लोगों को पकड़ लिया गया है। चार्जशीट 10 पन्नों से ज्यादा की है। 4 IAS ऑफिसर, 9 सरकारी ऑफिसर, 3 DAE ऑफिसर के साथ 5 स्टेट और कैबिनेट स्तर के मंत्री भी पकड़े गए हैं। NIA असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर चंद्रशेखर की जानकारी के अनुसार इंटरपोल के एजेंट्स ने हिंद महासागर में जो प्राइवेट सर्वर बरामद किया था उसे जांचने के लिए लंदन भेजा गया है। क्योंकि ये एक बेहद संगीन अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसमें कई संवेदनशील जानकारियां भी हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक गुप्त जगह पर उन्हें भेज दिया गया है। भारत में हुए इस सबसे बड़े घोटाले को लेकर इंटरनेशनल यूनियन के सदस्यों ने नाराजगी जताई है और इसको रोकने के लिए कई कड़े नियम भी बनाए गए हैं। सत्ताधारी पार्टी विवादों में गई। तीसरे दिन भी संसद में हंगामा जारी रहा। कई सहयोगी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। जल्द ही उपचुनाव होने की आशंका बताई जाती है। इस घोटाले को उजागर करने में विपक्षी पार्टी के नेता प्रताप रेड्डी को भी श्रेय जाता है, जिसके लिए उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रताप रेड्डी के राजनीतिक सफर का नया दौर शुरू। दूसरी पार्टियों ने पूरा सम्मान दिया। एक तरफ व्यापम घोटाला, फिर बैंक घोटाला और अब प्लूटोनियम घोटाला। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हर दिन एक नया घोटाला सामने आ रहा है। जब भी हमारे देश की जनता वोट डालने जाती है तो ये देखती है कि कौन सी पार्टी कम भ्रष्टाचारी है, लेकिन जो लोग इन भ्रष्टाचार करने वालों का पर्दाफाश करते हैं, क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? क्या सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर रही है? चलिए जानते हैं संजय जी से, हमारी पुलिस और सरकार उन्हें किस तरह से सुरक्षा देती है। ज्यादातर ऐसे हाई प्रोफाइल स्कैम को जो लोग भी उजागर करते हैं वो लोग विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट उनको 24 आवर्स की सिक्योरिटी देती है। इसमें वो और उनका परिवार दोनों की जान बचाना हमारे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी पूरी पहचान को ही बदल देते हैं। किसी नए देश में किसी नए नाम से उसकी जिंदगी शुरू करने में उनकी सरकार मदद करती है, उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराती है। अगर अपने देश की बात करें तो इस तरह के घोटाले में चश्मदीद गवाहों को या विसल ब्लोअर को ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी जाती। सिर्फ व्यापम स्कैम में ही
तकरीबन 30 गवाह संदिग्ध हालातों में मरे पाए।